हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपकी स्वागत है। आज मैं बनाने के लिए जा रही हूँ मिक्स मिठाई। उसके लिए मैं एक खोवा ली हूँ, आधी किलो खोवा है, एक तिल है, एक इलायची पाउडर है, एक बादाम और काजू बारीक काट के मैं रखी हूँ, एक खरबूजा के बीज है, एक बादाम काजू किशमिश है, एक नारियल काट ली हूँ बारीक बारीक, एक मूंग की दाल सुबह 1 घंटे पानी में डाली थी, छान के इसको पंखे में सुखाई हूँ। उसी तरह ये चने के दाल भी करी हूँ। ये मलाई है, ये थोड़ी सा मेरा चाशनी बची है और थोड़ी सा मैं ये चीनी ली हूँ और ये रिफाइंड तेल है। अब मैं कढ़ाई में तेल डाल देती हूँ। अब मैं मूंग के दाल फ्राई करूंगी। इसमें हम थोड़ी थोड़ी मूंग के दाल डालते जाऊंगी। मूंग के दाल मेरा फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकालती हूँ। ज्यादा फ्राई नहीं करी हूँ, हल्का फ्राई करी हूँ। अब मैं ये चने की दाल डाल देती हूँ। अब ये भी दाल मेरा चने की हो गई, देखो झमझम आवाज आ रही है। जो मूंग के दाल मैं छान के रखी थी उसी में ये चने की दाल छान के रख रही हूँ। जब तक मैं दाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, ये मैं खरबूजा के बीज डाल रही हूँ, बादाम किशमिश काजू ये तीनों में डाल देती हूँ। ये नारियल जो काट के रखी हूँ ये भी डाल देती हूँ। इसमें मैं तेल नहीं डाली हूँ, जो तेल मैं खाली करी हूँ कढ़ाई से उसी में मैं भूंज रही हूँ। ये काजू किशमिश बादाम जो है ये भी फ्राई हो गया है। गैस को बंद करती हूँ। ये दाल में ही निकाल लेती हूँ, काजू किशमिश जो है इसी में पीसूंगी साथ में। ये तिल मेरा भूंजा है, मैं ये नरसा बनाई थी वो कढ़ाई में जो तिल निकल जाती है वही ये तिल है। इसको भी मैं इसी में दाल में ही मिक्स कर देती हूँ। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर मैं मिक्सी में पीसूंगी। जब तक दाल ठंडी हो रही है तब तक मैं इधर चाशनी बना लेती हूँ। तो ये चीनी मैं इसमें डाल देती हूँ, यही कटोरी से 1 कटोरी पानी डालूंगी। इसी प्रकार मैं इसको चलाते रहूंगी। अब मेरा ये चाशनी होने वाला है, 2 सेकेंड के लिए और मैं पकाऊंगी इसको। ये काला जामुन बनाई थी उसका चाशनी बच गया था, वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ। जब तक मेरी चाशनी हो रही है दाल मेरी ठंडी हो गई है, अब मैं पीस के ले आती हूँ। चाशनी में मैं थोड़ी सा पीला रंग डाल देती हूँ और ये इलायची है, इलायची भी डाल देती हूँ। मेरा चाशनी ये चिपचिपी हो गई है, अब मैं इसमें खोवा डाल देती हूँ।
इसी में मैं ये मलाई डाल देती हूँ। ये खोवा देखो चाशनी में मिल गई है। अब मैं इसमें ये दाल पीस के जो लाई हूँ, ये दाल मैं इसी चाशनी में मैं डाल दूंगी। काजू बादाम तिल जो भी था मैं सारा पीस के इसी में डाल दूंगी। गैस में बंद करती हूँ। अब मैं इसमें निकालती हूँ। अब मैं इसमें काजू बादाम पिस्ता तीनों का बुरादा है इसमें डाल देती हूँ कि देखने में अच्छा लगे। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। देखो ठंडा हो गया। अब मैं इसको काटूंगी पलट के। अब मैं इसमें पलटती हूँ। अब मैं इसको पीस के हिसाब से काटूंगी। देखो कितनी मुलायम कितनी सॉफ्ट मिक्स मिठाई हुआ है। आपको ये मिक्स मिठाई अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूल, कमेंट जरूर से जरूर करना।